अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शगुफ्ताज क्रिएशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कोस्टर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैं 2 कलर्स का वुलन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और 6 नंबर का नीडल यूज़ कर रही हूँ। पहले हम लूप बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। इसके बाद 3 स्टिच चेन, 1, 2, 3 स्टिच चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस गैप में हम 16 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब जो फर्स्ट स्टिच है इसमें फिक्स करेंगे। थ्री स्टिच चेन, डबल क्रोशे स्टिच, 1 चेन, डबल क्रोशे स्टिच, 1 नीचे सर्कल में जितने भी स्टिच हैं सबके ऊपर डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे स्टिच, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब जो फर्स्ट स्टिच है इसमें फिक्स करेंगे। अब थ्रेड को सेंटर में लाएंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4 स्टिच चेन बनाया। अब सेम उसी गैप में डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 चेन। अब यहाँ पे हम बबल स्टिच बनाएंगे, 4 टाइम्स इसी तरह से धागा लपेटेंगे इस तरह से। अब सब थ्रेड्स में से थ्रेड पास करेंगे, फिक्स करेंगे। अब जो नेक्स्ट गैप है उसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से, 1 चेन। सेम पैटर्न रिपीट करेंगे 4 टाइम्स। अब फिक्स करेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट गैप है उसमें स्टिच बनाएंगे। पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद जो फर्स्ट स्टिच है इसमें फिक्स करेंगे। अब हम दूसरे कलर का थ्रेड लेंगे।
स्लिप स्टिच बनाया। इस तरह से फिक्स किया। फोर स्टिच चेन, वन सिंगल क्रोशे, अगेन फोर स्टिच चेन एंड वन सिंगल क्रोशे। इस तरह से फिक्स करते जाएंगे। फोर स्टिच चेन, पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब फिर से कलर चेंज करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव स्टिच चेन, वन सिंगल क्रोशे, फाइव स्टिच चेन एंड वन सिंगल क्रोशे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करें। अब जो फर्स्ट स्टिच है इसमें इसको फिक्स करेंगे। अब फिर से थ्रेड चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने येलो कलर से चेन बनाया है उसमें ट्रिपल स्टिच बनाएंगे। टू टाइम धागे को बल देंगे नीडल पे। इसके बाद इस तरह से स्टिच बनाएंगे। येलो कलर का जो चेन है इसको पूरा कवर करेंगे नीचे से। वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इस गैप में हमने सेवन स्टिच बनाए हैं। इसके बाद वन चेन, अब यहां पे भी हम सेवन ट्रिपल स्टिच बनाएंगे।
7 स्टिच बनाने के बाद हमने एक येलो चेन स्किप किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें 7 डबल ट्रिपल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं। वन चेन, अब एक स्टिच स्किप किया। उसके बाद जो नेक्स्ट चेन है इसमें पैटर्न बनाएंगे, पूरी रो इसी तरह से बनाएंगे। रो कंप्लीट करने के बाद वन चेन बनाया और जो फर्स्ट स्टिच है उसमें फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर के थ्रेड को कट कर देंगे। अब येलो कलर का थ्रेड लेंगे, उससे सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाएंगे। नीचे जो हमने ट्रिपल स्टिच बनाए हैं इनमें 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। एक स्टिच में 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब जो लास्ट स्टिच है इसमें 1 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया। इसके बाद जो नीचे येलो कलर का चेन है इसको ऊपर लाएंगे इस तरह से और यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इससे जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें भी 1 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। बाकी सब स्टिचेस में डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। सॉरी व्यूअर्स, बाकी सब स्टिचेस में 2 टाइम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से जो फर्स्ट स्टिच है और जो लास्ट स्टिच है उसमें 1 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, बाकी सब में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब ये देखिए, नीचे से चेन को ऊपर लाएंगे और सिंगल क्रोशे से फिक्स करेंगे। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में चेन को ऊपर लाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशे से फिक्स करेंगे। यहाँ पे भी 1 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। फिक्स करेंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। देखने में बहुत प्यारा लगता है। इसे आप कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और टाइल पैटर्न की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।